नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज सेकंड ईयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की हम क्लास में सार्वजनिक प्रलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि तथ्यों को विभिन्न प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है और तथ्य एकत्रित करने की इस प्रक्रिया को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, प्राथमिक तथ्य और सेकेंडरी तथ्य। प्राथमिक तथ्य जब अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर तथ्य एकत्रित करता है, और सेकेंडरी सोर्सेज जब पहले से लिखे हुए, पहले से छपे हुए अध्ययन को हम अपने रिसर्च में काम में लेते हैं तो वे सेकेंडरी सोर्स कहलाते हैं। इसके आगे पढ़ लिया था कि सार्वजनिक प्रलेखों को या सेकेंडरी सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया था, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख वे होते हैं जो व्यक्ति खुद लिखता है या एक अकेले व्यक्ति के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और सार्वजनिक प्रलेख वे होते हैं जो एक संस्था के द्वारा या कई सारे लोगों से मिलकर बने होते हैं। तो आज की क्लास में हम सार्वजनिक प्रलेख के बारे में स्टडी करेंगे। यह भी द्वितीयक स्रोत का एक माध्यम है। सार्वजनिक प्रलेख वे होते हैं जो कई सार्वजनिक संस्था या समाज के बारे में हो, अनेक कार्यकलापों के रिकॉर्ड हों या सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज हों। ये प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेख की तुलना में अधिक विस्तृत और व्यापक जानकारी प्रदान करने वाले तथा अधिक विश्वसनीय होते हैं। इनको पुनः हम भागों में बांट सकते हैं, प्रकाशित प्रलेख और अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख कौन से होते हैं? छपे हुए होते हैं, जिनको लिखा जा चुका होता है, जो पब्लिश्ड होते हैं। तो केवल उन्हीं प्रलेखों को प्रकाशित किया जाता है जो आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रलेख सार्वजनिक वाचनालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों की पुस्तकालयों में मिलते हैं। तो प्रकाशित प्रलेख पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है जिसको हम सार्वजनिक स्थानों पर प्राप्त कर सकते हैं, और इनको निम्न प्रकार से निम्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इसमें उपलब्ध रिकॉर्ड। सार्वजनिक प्रलेखों का प्रकाशित प्रलेख का पहला टाइप है उपलब्ध रिकॉर्ड। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन या संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक सूचनाओं का रिकॉर्ड रखती हैं, और जिनके द्वारा, इन रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये उपलब्ध जो रिकॉर्ड हैं, यह द्वितीयक सोर्स के रूप में काम करते हैं। यह किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन के द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड है। दूसरा प्रकाशित प्रलेख है प्रकाशित सांख्यिकी। सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाएं समय समय पर कुछ तथ्य एकत्रित करती हैं और उन तथ्यों को प्रकाशित भी करती हैं। इन तथ्यों को प्रकाशित होने से यह हमें बहुत अच्छी सूचनाएं उस तथ्य के बारे में या उस घटना के बारे में हमें दे सकते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर तथ्य प्रकाशित किए जाते हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों, उद्देश्यों और प्रगति की रफ्तार का पता चलता है। तो यह भी हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स के रूप में बहुत अच्छा माध्यम है। अगला माध्यम है पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार की दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इन पत्र पत्रिकाओं से हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का पता चलता है, और यह हमारे तथ्य के रूप में, हमारे तथ्य के सोर्स के रूप में काम आती हैं। सार्वजनिक प्रलेख का
प्रकाशित प्रलेख में अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को, WHO, ILO और भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी समय समय पर अपनी सामग्री प्रकाशित करवाते रहते हैं और इस सामग्री से प्राप्त तथ्य हमारे लिए तथ्य संकलन का विश्वसनीय स्रोत है और इससे हमें जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन पे हम पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। यह वस्तुनिष्ठ स्रोत के रूप में काम आते हैं। इसका अगला टाइप है व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। अनेक शोध छात्र समय समय पर बहुत सारी शोध प्रक्रियाएं करते रहते हैं और शोध निबंध प्रकाशित करवाते रहते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रलेख के रूप में द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। तो इस प्रकार सार्वजनिक प्रलेख में प्रकाशित प्रलेख के रूप में हम उपलब्ध रिकॉर्ड, प्रकाशित सांख्यिकी, पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन को प्रयोग कर सकते हैं जो कि एक अच्छी सामग्री के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। सार्वजनिक प्रलेख का अगला टाइप है अप्रकाशित प्रलेख। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यह अप्रकाशित होते हैं, यह पब्लिश्ड नहीं होते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री उनकी गोपनीयता को बनाए रखने हेतु प्रकाशित नहीं कराई जाती, जबकि कुछ अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं कराई जाती, इसलिए यह अप्रकाशित रूप में सामने आती है। पुलिस विभाग, न्याय विभाग, सरकारी कार्यालय द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कराई जाती हैं। ऐसी सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। यह दस्तावेज भी द्वितीयक सामग्री का प्रमुख स्रोत है और इसको भी निम्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है, निम्न रूपों में बांटा जा सकता है। इसका पहला पॉइंट है गोपनीय रिकॉर्ड। न्यायालय के रिकॉर्ड्स, सैनिक दफ्तरों के रिकॉर्ड और बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के परीक्षा फल रिकॉर्ड, विभिन्न कंपनियों तथा बैंकों के रिकॉर्ड गोपनीय प्रकृति के होते हैं। इन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता, लेकिन संबंधित सूचना प्राप्त करने पर हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, हम उन्हें दे सकते हैं। तो इस सूचना को भी अनुसंधान के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अप्रकाशित प्रलेख का नेक्स्ट पॉइंट है पांडुलिपियाँ। कुछ महापुरुष, समाज सुधारक, नेता एवं विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन एवं तथ्य संकलन कर पांडुलिपियाँ तैयार करते हैं। ये पांडुलिपियाँ काफ़ी उपयोगी सामग्री होती हैं और इनको शोध के लिए प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यह शोध के लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन। अनेक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं जिनसे वे शोध निबंध लिखते हैं, परंतु कभी कभी वे अप्रकाशित ही रह जाते हैं। तो ये अप्रकाशित प्रतिवेदन भी हमें महत्वपूर्ण सूचना और सामग्री प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख एवं लोक गाथाएं। यह द्वितीय तथ्य संकलन का प्रमुख स्रोत है और इसका अध्ययन में बहुत प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि अप्रकाशित प्रलेख के रूप में गोपनीय रिकॉर्ड, पांडुलिपियाँ, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन एवं अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख एवं लोक गाथाओं को प्रयोग किया जा सकता है और इनके प्रयोग से हमें तथ्यों को संकलन में तथा अपने अनुसंधान को दिशा प्रदान करने में सहायता है। तो अब हम ये जानेंगे कि द्वितीयक स्रोत द्वारा संकलित सामग्री का महत्व क्या है, क्या इसके लाभ हैं,
क्यों द्वितीयक स्रोतों द्वारा सामग्री को एकत्रित किया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, द्वितीयक स्रोत द्वारा ही ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती है। तो इतिहास में घटी हुई घटनाओं के अध्ययन के लिए हमें तथ्य संकलन के लिए द्वितीयक स्रोत का ही माध्यम चुनना होता है। वही माध्यम हमारे लिए सबसे उचित माध्यम है। नेक्स्ट है, द्वितीयक स्रोत हमें ऐसी पृष्ठभूमि अध्ययन के रूप में प्राप्त करवा सकते हैं जिससे हम सर्वेक्षण का कार्य सुनियोजित ढंग से प्रारंभ करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि द्वितीयक स्रोत हमें अपने अध्ययन के लिए कुछ बैकग्राउंड तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे शोध कार्य के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। जब हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को, कुछ पांडुलिपियों को या कुछ छपे हुए प्रकाशन को पढ़ लेते हैं तो हमें अपने रिसर्च में एक दिशा प्रदान हो जाती है, एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसका नेक्स्ट लाभ है, इससे प्रकल्पना निर्माण में मदद मिलती है। प्रकल्पना क्या है ये हमने पढ़ लिया था। प्रकल्पना को प्रकल्पना भी कहते हैं, पूर्व की कल्पना। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कुछ कल्पना बना लेती हैं, कुछ दिशा निर्देश बना लेते हैं जिसके आधार पर हमें अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है। तो ये द्वितीयक स्रोत हमें प्रकल्पना निर्माण में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे अध्ययन विधियों का चयन करने में मदद मिलती है। जब हम प्रकाशित और अप्रकाशित प्रलेखों को देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमारी रिसर्च को किस दिशा में जाने के लिए कौन सी अध्ययन विधियाँ उचित रहेगी, तो हम उन्हीं अध्ययन विधियों का चुनाव अपने रिसर्च करते हैं। तो द्वितीयक स्रोत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे रिसर्च को प्रदान करते हैं। ये रिसर्च वाला जो पेपर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पेपर का नाम तो आपको सभी को पता ही होगा, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, समाज की विभिन्न घटनाओं के बारे में कैसे रिसर्च की जाती है, ये सारा इस पेपर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इसमें हमने पढ़ा कैसे, किन स्टेप्स के माध्यम से रिसर्च की जाती है और उन स्टेप में तथ्य एकत्रीकरण एक महत्वपूर्ण स्टेप है, और तथ्य को किन किन सोर्सेस से एकत्रित किया जाता है यह हमने पिछले कुछ क्लासेस में स्टडी किया। व्यक्तिगत, सार्वजनिक प्रलेख, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, सभी सोर्सेज की इम्पोर्टेंस, सभी सोर्सेज की कुछ सीमाएं हैं। आप सभी इसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सभी आप इस चैनल को ज़रूर देखें और सोशियोलॉजी के इस पेपर में इंटरेस्ट डेवलप करें। थैंक यू वेरी मच।